Assalamu alaikum, I am Miss Iram Zahra from KGLO. Okay students, first of all take out copy number 1. आज जब हम काम करेंगे वो copy number 1 पे करेंगे. Okay. English की copy number 1 पर आज हम काम start करेंगे. First of all we will write date 15/12 CW and you will write Tuesday. Okay, T-U-E-S-D-A-Y, Tuesday. Then we will write heading, make 5 words from P. Again we will read the heading, make 5 words from P. आज हम 5 words write करेंगे यहाँ पर P से. पहले हमने O से write किया था, आज हम P से 5 words यहाँ write करेंगे. Okay students, all of you start with me. सबसे पहला word हम write करेंगे, pen. P-E-N, pen, P-E-N, pen. आप सबको पता है ना pen क्या होता है? जैसे teacher भी use करती हैं, आपने घर में भी देखा होगा कि pen जिससे हम लिखते हैं. Second word is pin, pin. P से second word हमने क्या write किया है? Pin, pin कोई से भी pin हो सकती है, safety pin भी हो सकती है, hair pin भी हो सकती है. ओके, थर्ड वर्ड अब हम ढूंढेंगे कि हमारा थर्ड वर्ड क्या होगा, सोचें और बताएं मुझे. जी, थर्ड वर्ड हम लिखेंगे पॉट. पॉट, 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 पी ओ टी, पॉट. पॉट का मतलब होता है बर्तन. नेक्स्ट अब हम फोर्थ वर्ड ढूंढेंगे. फोर्थ वर्ड है पुट. आपने पीटर एंड जेन में भी ये पढ़ा है वर्ड पुट, P-U-T, put. KG class कोशिश करें कि words easiest हों, जो आपको जिसके spelling learn भी हो जाए, आपको याद हो जाए, तो वो word हम write करेंगे यहाँ पर. और last word अब हम ढूंढेंगे, तो last word है हमारा pet. Pet, pet mean पालतू. कोई भी आपके घर में पालतू चीज हो सकती है, कोई animal, कोई परिंदा, तो उसको हम बोलते हैं pet. What are the spelling of P-E-T, pet, P-E-T, pet. Okay students, सबसे पहले अब हम reading करते हैं दोबारा से. Headings start करेंगे, make 5 words from P. आप कोशिश करें कि heading खुद से read करें, खुद से पढ़ें. Make 5 words from P. Pen, first word is pen, second is pin, third is pot, fourth is put, and last one is pet, pet. Okay students, अब हमारा copy का काम जो है वो खत्म हो गया है, finish हो गया है. अब हम maze start करेंगे, तो आपने video को बंद नहीं करना है और अपना maze का काम start करना है. Okay students, open your book, page number 77. First of all, we will write date 15/12 and write CW. आज हम vegetable के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपको picture में नजर आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी vegetables बनी हुई हैं. और आपको पता है ना vegetable कितनी हमारे लिए healthy होती हैं और हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा use करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए. तो आज हम जो vegetable के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसमें कलर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे हमारी वेजिटेबल है कुकम्बर, सेकंड कैरेट, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, जिंजर, पीस, गार्लिक, लेमन, अनियन और लास्ट वन इज बीटरूट. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इन पिक्चर्स में कलर करना है तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट अवर जीके. आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ डू द लीव्स स्टार्ट फॉलिंग. हमारा कौन सा मंथ है जिसमें लीव्स गिरना शुरू होते हैं, पत्ते गिरना शुरू होते हैं, तो कौन सा मंथ है? द आंसर इज इन अक्टूबर.
इन अक्टूबर, कि अक्टूबर के मंथ में ये पत्ते गिरना शुरू होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन से सीज़न में या कौन से सीज़न में, समर सीज़न में हॉट, समर सीज़न हमारा हॉट होता है, विंटर हमारा कोल्ड सीज़न होता है, और थर्ड पे हमने पढ़ा था कि कौन से सीज़न में हम वॉर्म क्लॉथ पहनते हैं, फिर हमने पढ़ा था कि कौन से सीज़न में हम लाइट क्लॉथ पहनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से मंथ में पत्ते गिरना शुरू होते हैं, लीव स्टार्ट फॉलिंग। तो द आंसर इज़ इन अक्टूबर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फोर सीज़न पहले पढ़ चुके हैं, विंटर भी पढ़े हैं, समर भी हमने पढ़ा है, आज हम ऑटम सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ऑटम का मतलब होता है ख़िज़ां का मौसम, वो सीज़न जो जिसमें पत्ते गिरना शुरू होते हैं, जो ड्राई सीज़न होता है। और आपको पता है ये सीज़न कब शुरू होता है? विंटर से पहले, विंटर सीज़न से पहले ऑटम सीज़न हमारा स्टार्ट होता है। और ऑटम सीज़न किस मंथ में स्टार्ट होता है, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। इन विच मंथ डू द लीव स्टार्ट फॉलिंग? इन अक्टूबर। द क्वेश्चन इज इन विच मंथ डू द लीव स्टार्ट फॉलिंग? द आंसर इज इन अक्टूबर, इन अक्टूबर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।